हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद, आपके लिए आज चैप्टर टू के तीसरे लेक्चर में लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है परागण या पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले दोनों वीडियो में हम लोगों ने मेल तथा फीमेल पार्ट किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से एक पुष्प के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन और बीजांड का निर्माण होता है या एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, वो दोनों क्रियाएं हम लोगों ने उसमें दोनों वीडियो में क्लियर कर ली थी। उसके बाद जब क्या होता है, जब आपके, अब देखिए हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया था कि निषेचन से पहले पुष्प में क्या चेंज होंगे, निषेचन कब होगा, कैसे होगा और निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होंगे। तो ये जो है वो हमारे निषेचन के पहले की क्रिया है कि परागण क्रिया पहले होती है, निषेचन होता है बाद में। परागण क्रिया एक क्वेश्चन जरूर आता है इसपे, 2 नंबर का पिछली बार भी पूछा गया है। पिछली बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से क्वेश्चन उठाया गया था आपको, अभी बताऊंगा कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बस पूरे वीडियो में बने रहिए आप, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आता है आपका, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए। स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए परागण या पॉलिनेशन क्या होता है। परागण जो बना है वो पराग कण से बना है। किससे बना है? पराग कण से। ध्यान समझिए होता क्या है ये और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए मेल फीमेल पार्ट तो बन गए, लेकिन अगर वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होंगे और पौधे जंतुओं की तरह तो बिहेव करते नहीं है, उन्हें तो क्या दूसरों पर डिपेंड है निषेचन क्रिया करने के लिए, वो अपने आप स्वतंत्र नहीं है। जब तक ये क्रिया नहीं होगी, एक पार्ट मेल पार्ट फीमेल पे जाके फीमेल से फ्यूज नहीं करेगा, तब तक तो नया कोई प्रोजेनी कुछ बन नहीं सकता है। तो उसके लिए ये क्रिया की आवश्यकता होती है, और जिसका नाम क्या है, पॉलिनेशन या परागण। किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ जाती है परागण क्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पॉलन ग्रेन्स का यानी पराग कणों का किस पे, स्टिग्मा पार्ट पे ट्रांसफर होना। स्टिग्मा किसका भाग है? गाइनोसियम का भाग है। किसका भाग है? गाइनोसियम का। आप ये भी कह सकते हैं कि मेल भाग से फीमेल भाग में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। देखिए मैं आप चित्र के साथ थोड़ा समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। ये भी दो मैंने प्लांट लिए हैं। देखिए दोनों बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसे बाइसेक्सुअल? चलिए यूनिसेक्सुअल मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए। इसमें मैंने दिखाया है कि इसमें यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने इसमें मेल पार्ट एंड्रोसियम दिखा दिया, और इस पे जाके ट्रांसफर हो रहा है तो मैंने इसका गाइनोसियम दिखा दिया। गाइनोसियम के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स यहाँ से गए इस वाले, ध्यान समझिए ध्यान से, इस वाले से यानी यहाँ एंड्रोसियम में डेवलपमेंट हुआ, पॉलन ग्रेन बने। पॉलन ग्रेन क्या करे, बनने के बाद मैंने कहा था वो बिखरने लगते हैं। अब कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाएंगे, फीमेल पार्ट पे जाएंगे। तो यहां तक का जो सफर है वही कहलाता है क्या, परागण कहलाता है। बात क्लियर हुई? मेल पार्ट में मेल मतलब मेल भाग से किसका, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किस पे, फीमेल भाग के स्टिग्मा पार्ट पर होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब यहां देख लीजिए, ये तो डेफिनेशन हो गई। परागण होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? देखिए परागण जो होता है वो हमेशा एक ही जाति के पौधों के बीच होता है। ये आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इन चीजों को। परागण क्रिया हमेशा हमेशा एक ही जाति के जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके बीच होता है। ऐसा नहीं कि एक आम का है और एक अमरूद का है, उनके बीच में परागण हो जाए। परागण तो होगा बट उससे कोई फायदा नहीं है। पॉलन ग्रेन तो जाके दूसरे पे गिरेंगे, लेकिन जब तक एक जाति नहीं होगी तब तक आगे की क्रिया नहीं होगी। चला तो जाएगा, किसी के द्वारा जा सकता है, हवा, जल, जंतु, किसी के द्वारा जा सकता है, लेकिन उसका कोई महत्व तो नहीं है। तो परागण क्रिया होने के लिए एक ही जाति के अलग अलग पौधे के होने की आवश्यकता है। ये जरूरी नहीं है कि पौधे कई सारे, पौधा एक भी हो सकता है, परागण क्रिया तब भी होगी, लेकिन बशर्त क्या है, होने एक ही जाति के चाहिए। अब देखिए हेडिंग आएगी पॉलिनेशन के प्रकार या परागण के प्रकार। परागण जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। स्थिति बताऊंगा अभी। तो परागण 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, दूसरा परपरागण। क्या होता है? स्व मतलब होता है स्वयं, स्वयं भी बताऊंगा, पर मतलब होता है दूसरा। ध्यान समझिए, यानी जब एक ही पौधे के मध्य परागण क्रिया होती है, एक ही पौधे के मध्य, जैसे मान लीजिए ये वाला पौधा है सिर्फ ये, मैं यहां पे एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक पौधा है, ये हमारे पास क्या है, एक पौधा हमने बना लिया, और इसमें क्या है, इस पौधे में दोनों भाग हैं, एंड्रोसियम भी है और क्या है, गाइनोसियम भी है। तब जब एक ही पौधे के बीच में मेल तथा फीमेल गैमीट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। दोबारा फिर समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेल पार्ट है और ये कौन सा है, फीमेल पार्ट है। तो फ्लावर तो एक ही है ना, पौधा भी एक ही है, ध्यान समझना। तो
जब एक ही पौधे के मध्य परागण क्रिया होती है तब क्या कहते हैं उसे, स्वपरागण कहते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे और भी आ सकती है, वो भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इसी इसी पौधे में दूसरा भी फ्लावर लग रहा है, इसी पौधे में अगर दूसरा फ्लावर है तो इसका मेल पार्ट भी इसके फीमेल पार्ट पे आके गिर सकता है, तब भी स्वपरागण होगा। क्योंकि शर्त क्या है, एक ही पौधे के मध्य होने वाली परागण क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। बात समझ में आई आपके, एक ही पौधे के मध्य होने वाली परागण क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। आपको अभी ये नहीं बताया गया है कि वो मतलब कि अब एक पौधा है तो आपको पता ही, एक पौधे में तो फूल कई सारे होंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, अगर तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के बाद यहाँ देखिए इसके प्रकार, ये मुख्य रूप से वैसे होता तो तीन प्रकार का है, लेकिन मैं आपको तीनों प्रकार अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो ही लिखे हैं, एक प्रकार तो यही है, एक तो इसका यही आता है मतलब कि स्वपरागण, एक तो यही टाइप हो गया इसका, इसका कोई इतना महत्व तो नहीं है, इसका वही है सेल्फ पॉलिनेशन, पहले नंबर पे आ जाता है, तो आपको इसी में ये दिखाना है। लेकिन आप देखिए इसमें पहले लिखा है समजात पुष्पी परागण। सम का मतलब होता है समान, जात का मतलब कि जा, यानी एक ही पुष्प। यहां आ जाइए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट में केवल एक पुष्प है, दोनों भाग है मेल तथा फीमेल। अब इसी पौधे का एंड्रोसियम में बनने वाले परागकण इसी के गाइनोसियम पे जाके गिर जाएंगे, इस वाली अवस्था को बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सजात पुष्पी या समजात पुष्पी परागण, जिसे हम गिटेनोगैमी बोलते हैं। और 2019 में ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिटेनोगैमी या सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं, आप पेपर उठाइए उसमें देखिए डिटेल से पूछा गया, दो नंबर का। क्या एक ही जाति के एक ही पौधे के एक ही पुष्प में होने वाला परागण क्या कहलाता है, गिटेनोगैमी या समजात पुष्पी परागण कहलाता है। बात क्लियर हुई। दूसरा टाइप देखिए यहाँ पे, दूसरा टाइप में हमारा परमिसेशन, इसी का है सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा टाइप क्या है, परमिसेशन। और परमिसेशन जो होता है उसे इंग्लिश में उसे जीनोगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी स्थिति थोड़ी सी डिफर है, पुष्प अलग है लेकिन पौधा एक ही है। पुष्प अब कैसा हो गया, पुष्प यहाँ पे दूसरा आ गया, यानी पुष्प क्या है, अलग है, तो एक ही पौधे में उपस्थित एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होने वाले परागण को परनिषेचन या जीनोगैमी कहते हैं। बात यहाँ पे क्लियर हुई आपको, तो अब मुझे लगता है कि आप सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए होंगे। एक ही पौधे के मध्य परागण क्रिया जब होती है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, कैसा, सजात पुष्पी और परनिषेचन। सजात पुष्प में क्या हुआ कि एक ही पौधा, तो एक पौधा है इसके अंदर एक ही फ्लावर लग रहा है और उसी फ्लावर का परागकण उसी फ्लावर के गाइनोसियम पे जाके गिरेगा, तो ये क्रिया क्या कराएगी, गिटेनोगैमी कराएगी। दूसरा क्या है, परनिसेशन। परनिसेशन का मतलब पौधा एक ही है लेकिन इसमें फ्लावर कितने हैं, दो, तो दो फ्लावर है तो दो में से एक फ्लावर का गाइनोसियम में दूसरे फ्लावर का पोलन आके क्या होगा, गिर जाएगा। इस क्रिया को जीनोगैमी या गिटेनोगैमी कहते हैं, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, ऑटोगैमी। क्या है, यानी स्वसंयुग्मन, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वसंयुग्मन। ऑटोगैमी को क्या बोलते हैं, स्वसंयुग्मन, ठीक है। तो ये क्रिया आपकी इस नाम से भी जानी जाती है। तो ये हमने क्लियर क्लियर कर लिया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए क्रॉस, दूसरा टाइप क्या है, क्रॉस। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पर परागण क्या होता है। परपरागण ध्यान समझिए, परपरागण में क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या है कि एक पुष्प मतलब एक ही जाति के अब दो पौधे चाहिए हमें। यहाँ तो हमें एक ही पौधा चाहिए था, फ्लावर चाहे अलग थे उस पुष्प उसमें प्लांट में, लेकिन यहाँ हमें परपरागण के लिए ये बिल्कुल 100% है कि चाहे प्लांट आपका यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, लेकिन हमें प्लांट कितने चाहिए, दो चाहिए। जरूरी नहीं कि ये बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, उससे हमें कोई शर्त नहीं रखनी। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि परपरागण के लिए हमेशा हमें दो पौधों की आवश्यकता होती है, जबकि स्वपरागण के लिए केवल एक हमें पौधे की आवश्यकता होती है। आप डिफरेंस में मिलके दिखा सकते हैं चीज, ठीक है। और देखिए उसमें, अब इसमें क्या होता है कि एक पौधे से यानी किसी एक पौधे से किसी अन्य दूसरे पौधे पर किसका ट्रांसफर होना, पॉलिग्रेन का ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। और इसे इंग्लिश में इसका दूसरा नाम जो होता है वो इसे एलोगैमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोगैमी, पर संयुग्मन, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ये मैंने टाइप भी समझा दी। यहां आ जाइए, आसान है, समझिए ध्यान से।
अब अगर हम लोग देखें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें कुछ माध्यम चाहिए होते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं जाने वाले क्रॉस भाई, एक पुष्प का तो हम मान सकते हैं। अब इसके लिए माध्यम चाहिए होते हैं हमें, यहाँ भी माध्यम चाहिए, ऐसा मतलब ये नहीं कि यहाँ माध्यम नहीं चाहिए हमें भाई। ये वाला पुष्प किसी ना किसी, चलो मान लो यहाँ नीचे तो अपने आप आगे गिर सकता है, लेकिन अगर ऊपर है तो किसी के द्वारा जाएगा। तो इसके जो माध्यम होते हैं, तो उसके आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कितने में डिवाइड किया है? तीन में। पहला है वायु परागण, दूसरा है जंतु परागण, तीसरा है जल परागण। इंग्लिश में एनिमोफिली, जूफिली एंड हाइड्रोफिली। ठीक है, अब इन तीनों को हम आपको अभी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डिफरेंस टाइप में डिवाइड करके तीनों को बताएंगे, और इनके एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2020 के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, क्या पूछा गया वो भी बता दूंगा, बस आप इन तीनों को देखिए। अभी मैं इनको तीनों को डिटेल से आपको पढ़ा। देखिए स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा था आपको कि मैं परागण के टाइप लेके आऊँ, तीन प्रकार से होता है, वन टू एंड थ्री, एनिमोफिली, ठीक है, जूफिली एंड हाइड्रोफिली। ध्यान समझिए, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीजें समझाने की आपके लेवल से बताई हैं, आप ध्यान इस पर ध्यान दीजिए। सर पहली बात तो आपको तीनों ही नाम याद करने हैं, वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण। ये परागण के प्रकार है, ना कि स्वपरागण के। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, वायु परागण। बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने, पौधों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। और भैया देखो इनकी संख्या ज्यादा होगी परागकणों की, कैसे होंगे, हल्के होंगे तभी तो हवा में उड़ सकते हैं, तो हल्के होंगे और संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा संख्या अगर कम हुए तो फिर पता लगा पुष्प तो गए ही नहीं, कहीं भी घूम रहे हैं वो, तो फिर उससे परागण क्रिया नहीं होगी। तो इनकी संख्या ज्यादा होती है परागकणों की, और कैसे होते हैं परागकण, इसमें हल्के होते हैं। ज्यादातर यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं वो इसके द्वारा परागण क्रिया करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए बता दूं आपको, मक्का, चीड़ चीड़ को पाइनस बोलते हैं, जिसमें पाइनस जो कि एक क्या है, अनावृतबीजी पौधा है। आक और घास, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कि इसके वायु परागण के। परिभाषा बहुत आसान है, वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, जो कि एक क्या है, परागण का प्रकार है। और इसमें जो परागकण होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, हल्के होते हैं, पुष्प बहुत आकर्षक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है जंतु परागण। समझिए ध्यान से, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। जंतु देखो कीट कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं जो बड़े बड़े जैसे स्तनधारी होते हैं, तो कीटों के द्वारा देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। क्यों? कीट क्या करते हैं, पौधों के पुष्प पे घूमते रहते हैं, इधर से उधर जाते जाते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, परागकण ट्रांसफर होते हैं। कीट परागण क्या, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं, इसे हम एंटोमोफिली कहते हैं इंग्लिश में। फिली जहां पे लगाओ समझिए परागण है वो, तो एंटोमोफिली क्या है, अगर देखा जाए तो ये पूछ रहे आपसे, ये पूछ रहा है कि सेल्बिया में किसके द्वारा होता है, तो सेल्बिया में कीट परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है। एनसीईआरटी ने इसे बहुत डिटेल में समझाया, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और लगभग कीट परागण में मधुमक्खियों के द्वारा 80% परागण क्या हो जाता है, हो जाता है। बाकी किसके द्वारा, भंवरे द्वारा होता है, जो भंवरा होता है आपका, उसके द्वारा भी क्या होता है आपका, कीट परागण होता है। ठीक है, अगर उसके बाद देखें अंजीर पूछा गया कि अंजीर में किसके द्वारा होता है, तो अंजीर में बर बर के द्वारा अंजीर में होता है। कैप्सिला भी इसका एग्जाम्पल है, अंजीर कैप्सिला, बहुत सारे प्लांट हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लांट ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं, और ऑर्निथोफिली इसको कहा जाता है। इसमें शर्त यह है कि इनका जो परागकण होगा वो कैसा होगा, थोड़ा हैवी होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो कीट नहीं ले जा सकते उठा के, वो हवा के द्वारा जा नहीं सकता, पानी में वो पौधा है नहीं, तो उसका परागकण कैसा होगा, हैवी होगा, बड़ा होगा, तो उसे कौन ले जाएगा, उसे कीट ले जाएंगे, कोयल हो गया, कौआ हो गया, आपका पैरट हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, आपके बहुत सारे जो तो पक्षी होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ये इस प्रकार का परागण होता है। ठीक है, शर्त क्या है, इसके पुष्प का परागकण कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, ये बहुत आकर्षक भी होते हैं, क्योंकि पुष्प ज्यादातर आकर्षक होते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी सुगंध भी आती है इन पुष्पों के अंदर। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होगी। तीसरा टाइप है जल परागण, आसान परिभाषा, जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। आपकी बुक में बैलिसनेरिया दे रखी है कि बैलिसनेरिया में परागण समझाइए, तो बैलिसनेरिया एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है, जल में पाया जाता है, और जल की सतह पर उसका फ्लावर रहता है, उसकी लीव नी पत्तियां और उसका फ्लावर जो होता है वो सतह पे रहता है।
तो जल परागण को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, अधो जल परागण और अधिजल। ठीक है, अधो का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार का परागण, ध्यान समझना, इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अधोजल का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे प्लांट के अंदर परागण क्रिया की ये बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, जो पूरे के पूरे जिनके फ्लावर होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी की सतह पे नहीं रहेंगे। जैसे समुद्र में पाई जाने वाली घास समुद्र की सतह पे पाई जाती है, वहां कोई ऊपर सतह, समुद्र के नीचे पानी के अंदर होती है वो घास, तो ऐसे पौधों के अंदर जो क्या होते हैं पूर्ण रूप से जिनके फ्लावर जल के अंदर रहते हैं उनके अंदर जो परागण क्रिया होती है उसे अधो जल जल परागण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा और नयास, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, समुद्री घास भी इसी में आएगा आपका, बहुत सारे हैं, आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके द्वारा दूसरा इसका है टाइप, वो है जल परागण का अधिजल। अधिजल का मतलब है कि जल की अधि आधा, यानी जल की सतह पर जो फ्लावर आते हैं, कमल हो गया, कमल जल की सतह पे फ्लावर होता है ऊपर। ठीक है, और आपका हाइड्रला हो गया, बैलिसनेरिया मैंने पहले लिख दिया है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बैलिसनेरिया, और इधर आपको सेल्विया याद रखना, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इधर आपको अंजीर भी इसमें देखना है। तो जब वो जल की सतह पे ऐसे ये उनके जिनके ऐसे पौधों में इस क्रिया के द्वारा परागण होता है कि जिनमें क्या होता है जिनके पुष्प जो होते हैं वो जल की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बैलिसनेरिया, हाइड्रला। ठीक है, समझ गया, कमल ये इसके द्वारा है। तो ये आपका था, अब एक लास्ट टॉपिक इसमें और बचा है, बने रहिए वीडियो में, और जो आपका जो लास्ट है वो है कृत्रिम परागण क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट में उसे समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको मैंने कहा ना अभी 1 मिनट में आपको इसे समझा रहा हूँ। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, एक प्रकार ये भी है आपका आर्टिफिशियल, क्या कृत्रिम रूप से, कैसे कृत्रिम रूप से, उसका उसमें किसका रोल होगा, उसमें आपका रोल होगा मनुष्य का। अब इसमें क्या है कि मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से या कृत्रिम रूप से कराए जाने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं, ये किसी प्लांट में हो सकता है। ये मनुष्य क्या, आजकल आप लोग जो देख रहे हैं हाइब्रिड जन, मतलब कि क्रॉप हमारे पास आ रही है, हाइब्रिड सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो किसकी देन है, कृत्रिम परागण की देन है। इसे हम एक और लैंग्वेज में संकरीकरण या हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान समझना, आपको यहाँ पे मैं इमस्कुलेशन और बैगिंग पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछी जाती है परीक्षाओं में, ध्यान समझिए। पहली बात तो ये जो परागण है मनुष्य के द्वारा होता है, मनुष्य क्या करता है, मान लीजिए मैंने बताया आपको कि मैंने ये फ्लावर बना लिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये फ्लावर बना लिया, ये हमारे क्या है, ये दोनों हमारे पार्ट है इसमें, मेल फीमेल। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसमें सेल्फ परागण नहीं कराना है, मुझे किसी और प्लांट से जबरदस्ती लाके यहाँ पे इस वाले पार्ट में दूसरा भेजना है मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन की हेल्प से हम भेजेंगे इसे। ठीक है, और उस क्वालिटी का इसमें हम पॉलीग्रेन डालेंगे, जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो उसे डालेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये इसी वाले से क्रिया कर ले, जो मैंने बताया था आपको सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, इसमें गिगेनोगेमी हो जाए, चाहे जीनोगेमी हो जाए। ठीक है, तो उसमें उससे बचाने के लिए क्या करता है, इस वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये जो आपका मेल पार्ट है वो क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ये जो मेल पार्ट रिमूव करने की क्रिया है यही तो आपकी कहलाती है इमस्कुलेशन। क्या कहलाएगी, इमस्कुलेशन, इसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं विपुंसनीकरण। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इमस्कुलेशन क्या होता है, आप समझे थ्योरी के रूप में, कि किसी फ्लावर से उसके मेल भाग अर्थात पुमंग को पृथक कर देना क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन कहलाता है, विपुंसनीकरण कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसी को हम लोग टैगिंग बोल देते हैं, इसके करने की प्रोसेस क्या, टैगिंग। ठीक है, दूसरा क्या बचा, बैगिंग, आप समझिए ध्यान से। अब हमने इसे या तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें इमस्कुलेशन कर देंगे, या अगर इसमें परागकण यहाँ भी रहना भी है लेकिन फिर भी अब एक और तरीका हमारे पास बचाने का है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाके यहाँ से किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन लाके यहाँ पे इसके अंदर इंजेक्ट करा दिया, अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को यहाँ से बिल्कुल कवर कर देंगे, कवर कर देंगे, अगर इसको रिमूव कर दिया तब भी सेफ है, लेकिन इसको तो रिमूव कर दिया, अब यहाँ दूसरा भी तो फ्लावर है, मान लीजिए यहाँ दूसरा फ्लावर है उसके अंदर भी तो है ये परागकण,
तो वो चले जाएंगे यहाँ, तब भी नहीं बचा सकते हम। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे भाग को पॉलिथीन या कॉटन के कपड़े वगैरह से, जिसमें क्या छोटे छोटे छेद पाए जाते हो, जो क्या करें यहाँ पे श्वसन क्रिया हो सके, वायु जा सके यहाँ पे, प्रकाश जा सके यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उसको एक कपड़े या पॉलिथीन से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, चारों तरफ से बांध देते हैं। उसी बांधने की क्रिया को बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। ये दोनों पूछे जाते हैं, इमास्कुलेशन, टैगिंग और बैगिंग क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात मेरी, इसमें क्या होता है, तो मैंने आपको ये चीज समझाई। ठीक है, अब वो कुछ और चीजें इसमें बची हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा परागण कंप्लीट हुआ, लेकिन अब परागण के पश्चात हमारे फ्लावर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। उसमें आप लोग पढ़ेंगे दोहरा निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन क्या होता है, और त्रिसमयन क्या होता है। ये तीनों प्रोसेस में अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले आप जो आपको वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपका इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आप ध्यान से इस चीज को समझिए और अपनी तैयारी कीजिए। अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।